लेट अस स्टार्ट एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या होते हैं? जैसे हम लोगों ने जाना था कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव जो कि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ये एडवर्ब्स जो हैं ये एडजेक्टिव को, वर्ब्स को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ बताते हैं। चलिए इसका आज हम लोग डेफिनेशन देते हैं। व्हाट इज एन एडवर्ब? ठीक है, एन एडवर्ब मॉडिफाइज ए वर्ब। एडवर्ब जो है किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब को ये मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग एक एग्जांपल देकर इसे देखते हैं। ठीक है, मोनिश एट्स हंग्रीली। मोनिश जो है वो हंग्रीली, ये हंग्रीली क्या है? हंग्रीली इज एडवर्ब। ठीक है, और एट्स यहाँ वर्ब है, तो यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। वो खाता है, मोनिश खाता है, कैसे? हंग्रीली, है ना, बिल्कुल टूट पड़ता है भूख को। तो उस फिर इसको हम लोग ये जाने कि वर्ब को यहाँ क्वालिफाई कर रहा है हंग्रीली, तो हंग्रीली एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, मोनिश इज एक्सट्रीमली ग्रीडी। अब यहाँ देखो ग्रीडी, मोनिश इज ग्रीडी, ग्रीडी लोभी है मोनिश, तो यहाँ ग्रीडी का अर्थ क्या हुआ है? लोभी। यानी कि ये कौन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को यहाँ कौन मॉडिफाई कर रहा है? कौन सा वर्ड? एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली क्या हो गए? एक्सट्रीमली आपका हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीमली मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से, पूर्णतः, ग्रीडी माने बहुत ज़्यादा, है ना। तो मोनिश जो है वो लोभी है, पूरी तरह से बहुत अधिक लोभी है। ठीक है, तो बहुत अधिक लोभी में जोड़ दिया गया, और ग्रीडी वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है और एक्सट्रीमली हो गया एडवर्ब। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मोनिश एट्स वेरी ग्रीडली। यहाँ ग्रीडली है, ग्रेड देखो, ये ग्रेडी एडजेक्टिव था, लेकिन ग्रेडली क्या है? एडवर्ब है, और एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है वेरी वर्ड, तो ये दोनों ही एडवर्ब है ना। तो हम लोग क्या जाने कि एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव यहाँ सेकेंड एग्जांपल में आ रहा है ग्रेडी, है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या किसी वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, या एड्स है वर्ब। एड्स कैसे खाता है? हंग्रीली, तो हंग्रीली है एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब को भी एडवर्ब ही क्वालिफाई करता है। जैसे कि मोनिश एड्स वेरी ग्रीडली, ग्रीडली यहाँ एडवर्ब है, और वेरी हो गया एडवर्ब को क्वालिफाई करता है कौन? एडवर्ब ही। ओके, तो वेरी और ग्रीडली दोनों ही एडवर्ब हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं काइंड्स या टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब तरीका, किस तरीके से कोई काम होता है, एक्शन होता है, वो मैनर में आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके हमें क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? तो ये बताते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि किस तरीके से कोई एक्शन होता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन, ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है? हाउ, कैसे, है ना, कैसे यानी मैनर बताएगा कि फॉर एग्जाम्पल सी स्पोक सॉफ्टली एंड जेंटली, या हम लोग कह सकते हैं सी स्पोक पोलाइटली। तो ये पोलाइटली, सॉफ्टली, जेंटली, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, बताता है कि कैसे कोई एक्शन होता है, वो कैसे बोलती है, सॉफ्टली बोलती है, जेंटली या पोलाइटली। ओके, नेक्स्ट इसका देखते हैं टाइप्स। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब जगह। जब ये एडवर्ब जो है किसी जगह को बताता हो तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, कहाँ कोई एक्शन, किस जगह पर कोई एक्शन हो रहा है या होता है, ये बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ, दैट मीन्स ये
जो है इसका जो आंसर होगा यहाँ वहाँ हियर देयर अप डाउन ऊपर नीचे, ये सारे क्या हो गए एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे ही केम हियर, वो यहाँ आया, तो केम हो गया वर्ब, हियर हो गया आया, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, द बॉयज आर स्लीपिंग इनसाइड, बॉयज सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं इनसाइड अंदर में, तो ये प्लेस है क्या इनसाइड अंदर में, तो ये एक्शन जो है सोने का कहाँ हो रहा है अंदर में, तो ये क्या हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे मोर एग्जाम्पल्स यहाँ बताए जा रहे कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं इसमें, है ना। तो जैसे आउटसाइड बाहर, हियर देयर यहाँ वहाँ, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स बाहर की ओर अंदर की ओर, इन आउट विद इन, अबव बिलो, नियर नज़दीक, फार दूर, तो ये सभी कौन से काइंड्स में आएंगे, जो प्लेस बताते हो कोई किसी एक्शन का एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, है ना। नेक्स्ट इसका और भी टाइप्स है, चलिए इनको भी हम देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम जब बताता है ना, डे एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन प्लेस, कोई एक्शन कब होता है यानी किस टाइम में होता है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, कब, कब यानी कि टाइम बताएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल दे विल विजिट अस सून, वे लोग हम लोग के पास आएंगे सून, शीघ्र ही, सून मतलब तुरंत या शीघ्र, तो ये टाइम बता रहा है कि तुरंत ही आएंगे। फॉर मोर एग्जाम्पल्स टूडे यस्टरडे, आज बीता हुआ कल, यस्टरडे हो गए, और टुमारो मतलब आने वाला कल, ठीक है, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, नेक्स्ट ईयर, अर्ली जल्दी, लेट देर, देर से, है ना, एगो नाउ, ऑलरेडी मतलब पहले ही, आफ्टरवर्ड्स, इमिडिएटली, इमिडिएटली मतलब तुरंत। तो ये जब टाइम बताते हो कि तुरंत ये एक्शन होगा या कल होगा, परसों होगा, अभी होगा, तो ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना, एक्शन का, किसी एक्शन का टाइम बताता है। समझ में आया। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी बार, है ना। टेल्स अस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन, ये किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताता है कि कितनी बार एक्शन होता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, हाउ ऑफन माने कितनी बार, है ना। तो यहाँ पे जब फॉर एग्जाम्पल दे विजिट दिस चर्च समटाइम्स, समटाइम्स माने कभी कभी, फ्रिक्वेंसी बता रहे ना कि कभी कभी वो इस चर्च में आते हैं। फॉर मोर एग्जाम्पल कौन कौन सा वर्ड आ सकता है, ऑफन मतलब प्रायः, हाँ दे विजिट दिस चर्च ऑफन या नेवर, वो कभी नहीं आता इस चर्च में, तो यहाँ नेवर, नेवर भी क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। रेयरली, ये ईयरली वर्ड्स में आता है ना, फ्रीक्वेंटली वंस एक बार आता है, फ्रीक्वेंटली मतलब कि बार बार मतलब प्राय आता है, अगेन फिर से, सेल्डम कभी कभार, नहीं के बराबर, है ना, सेल्डम, तो ये सब फ्रीक्वेंसी बताता है कि कितनी बार कोई एक्शन होता है। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज डन, कि कितनी मात्रा में, कितने डिग्री में कोई एक्शन होता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, हाँ कितना, मच माने क्या हो गया मात्रा बताया जाता है ना, कि कितना कितनी मात्रा में। एग्जाम्पल ही हार्डली हेल्प्स अराउंड इन द हाउस, हाँ यह हार्डली वर्ड है, ये हेल्प सहायता करता है, हार्डली मतलब मुश्किल से, मतलब बहुत कम, हम वेरी लेस, हेल्प्स अराउंड इन द हाउस। नेक्स्ट सम मोर एग्जाम्पल्स वी कैन टेक, रेदर फुली पार्टली क्वाइट एनफ ऑल टूगेदर वेरी ऑलमोस्ट वंस अगेन, तो ये सारे वर्ड्स जो है ये क्या बताएंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट टाइप है हमारा एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, जब हम कोई भी बातें अफर्मेशन मतलब यस में दें या नेगेशन मतलब नो में दें,
तो ये अभी हमारे क्या आएगा, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन, एम्फेसिस द ट्रूथ और द फॉल्सहुड। अगर गलत है तो क्या यूज़ करेंगे, नो, नेवर, है ना, नॉट, ने, और अफर्म हो कि हम कुछ कह रहे हैं तो यस, है ना। इस तरह तरीके से हम लोगों ने एडवर्ब्स के काइंड्स को जाना। इसके और दो टाइप्स हैं, उसे भी आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, दैट इज यूज टू फ्रेम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। इट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन क्लॉज, और साथ में क्या होता है, ये एक नाउन क्लॉज को भी बताता है। वर्ड्स लाइक वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन, हाउ लॉन्ग, वीदर, हाउ ऑफन, वेयर, हाउ फार, व्हाई। एक सेंटेंस में भी ले सकते हैं, सी हैज नॉट टोल्ड मी, उसने मुझे नहीं बताया। व्हाई सी इज नॉट कमिंग फॉर द क्लास पार्टली, कि वो क्लास में क्यों नहीं आई, है ना। तो व्हाई ये क्वेश्चन मोड में है ना, और ये एक नाउन क्लॉज भी है, व्हाई सी इज नॉट कमिंग फॉर द क्लास पार्टली। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या है, इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज, ये रिलेटिव क्लॉज को बताते हैं। इट जॉइंस टू सेंटेंसेज, और क्लॉज क्या करते हैं, वो दो सेंटेंस में होते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ कर ही जो बनाया जाता है सेंटेंस, उसमें दो या दो से अधिक भी क्लॉज होते हैं। तो रिलेटिव क्लॉज क्या, रिलेशन करता है ना, रिलेट करता है दो क्लॉज को। एग्जाम्पल, दैट इज़ द हाउस वेयर ही गॉट मैरिड, या दैट इज़ द हाउस वेयर ही लिव्स, ठीक है, तो जहाँ वो रहता है ये वही घर है। मोर एग्जाम्पल्स, जैसे और भी हम वर्ड्स ले सकते हैं ना, रिलेटिव वर्ड्स, जैसे वेन, बिफोर, वेन एवर, लेस्ट, सो दैट, हाउ मच, हाउ फार, ये सब क्या है, ये रिलेटिव एडवर्ब हैं, ठीक है। तो रिलेटिव एडवर्ब समझ में आया, इतना हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट डे हम लोग पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स पढ़ेंगे, कि एडवर्ब को हम लोग कहाँ, बिफोर वर्ब या आफ्टर वर्ब, हाँ कहाँ पर प्लेस करेंगे, जो सही हो, करेक्ट हो, नहीं तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स मैं आपको लिख कर भी सेंड कर दूँगी, और वीडियो भी, ओके। हाँ कमेंट करेंगे, कुछ आपको कहना हो तो दैट्स ओके, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे।